महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से MIDC परिसर में स्थित विनार इस्पात उद्योग कंपनी में दस्तक दी गई। बीते दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नगर सेवक सचिन भोयर तथा मनसे के अन्य पदाधिकारियों ने चंद्रपुर MIDC परिसर में स्थित विनार इस्पात कंपनी में दस्तक दी। वहीं इस मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शिष्टमंडल ने विनार इस्पात कंपनी के प्रबंधक से भेंट ली। मनसे के पदाधिकारियों का आरोप है कि कंपनी में कार्यरत कुछ कंत्राटी कामगारों को काम पर से ठेकेदार द्वारा निकाल दिया गया है। अतिशीघ्र इन कंत्राटी कामगार महिलाओं को काम पर ले, अन्यथा उन्होंने आंदोलन करने का इशारा किया। इस मौके पर मनसे के पदाधिकारियों में नगर सेवक सचिन भोयर के साथ मनसे शहर अध्यक्ष मनदीप रोडे, जिला सचिव किशोर माडगुलवार, शहर संगठक मनोज तांबेकर, शहर उपाध्यक्ष महेश वासलवार, शाहरुख अली, राकेश फराटकर, प्रवीण शिवते, कृष्णा गुप्ता के साथ महिला कामगार साथी अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं इसके संबंध में नगर सेवक सचिन भोयर ने क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। देशात सर्वत्र कोरोनाचा हाहाकार सुरू आहे आणि या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी सतत उद्योगधंद्यांना आवाहन केलं आहे की कुठल्याही कामगारांना कामावरून कमी करू नका। MIDC आवारात असणारी विनार इस्पात कंपनीमध्ये या ठिकाणी कंत्राटी जे आहेत या 12 लोकांना, महिला कामगार मोठ्या संख्येने आहे, या 12 लोकांना कामावरून कमी करण्यात आलं। जे कंत्राट नागपूरच्या एका कंपनीला मिळाले त्यांनी बाहेरून या ठिकाणी लेबर आणले व त्यांना या ठिकाणी कामावर ठेवलं, परंतु या ठिकाणचे स्थानिक लेबर कामावरून काढून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। या ज्या महिला वर्ग आहे त्यांच्या घरावर बरोबर छत नाही आणि अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर उपासमार होत आहे, त्याकरिता कंपनी प्रशासनाची भेट घेत प्रबंधकांना आम्ही इशारा दिला आहे की या कामगारांना कोरोनाच्या काळामध्ये कामावर समावून घ्या, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कंपनी उद्योग चालू देणार नाही। जोपर्यंत या महिला कामगारांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मागे हटणार नाही।